अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे थोड़ा ग्रेवी वाला मटन, और आप इसमें शोरबा भी बना सकते हैं, इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास हाफ के जी के करीब मटन है, तो फ्रीज़ हुआ हुआ है, तो इसलिए ये मैंने इसमें डाल लिया है प्रेशर कुकर में। और इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं कि मैंने 3 अदद जो हैं मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, 3 से 4 मैंने टमाटोज ले लिए हैं, इनको इस तरह से बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। ये कुछ मेरे पास स्प्रिंग ऑनियन से, ये भी मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। बाकी ये कुछ ग्रीन चिलीज हैं, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक इनको ऐड कर सकते हैं। इसके मैंने 2 पीसेस कर लिए हैं इस तरह से, आप चाहें तो इसको क्रश करके भी या चॉप करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने इसमें ऐड कर लिया। इसके बाद कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। मैंने ज़ीरा इसमें ऐड किया है, साबुत, एक लौंग है, और ये 1/2 टीस्पून टर्मेरिक है, हल्दी है, और हसबे ज़ायका इसमें थोड़ा सा सॉल्ट जो है वो आप ऐड कर लें। लौंग के साथ ये होगा कि इसका जो स्मेल वगैरह होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा हमें इसमें ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट, वो मैं ये इसका पेस्ट बनाया हुआ है, इसको 1 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड कर लूँगी। और इसके साथ हमारी ग्रेवी जो है वो भी काफ़ी थिक हो जाएगी। और इसमें आपने अगर ग्रीन चिलीज ऐड करनी है तो आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैं इस तरह से ये थोड़ी मोटी वाली ग्रीन ये रेड चिलीज़ जो हैं ये ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इस तरह की क्रस्ट जो होती हैं ये भी ऐड कर सकते हैं, या पाउडर ऐड कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन इनका फ्लेवर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, इसके साथ ही मैं इसमें तकरीबन 1/2 कप के करीब या 1 ग्लास की आप मेजरमेंट रख लें, इसमें पानी ऐड करूँगी। गोश्त और ये बाकी जो चीज़ें हैं ये बाकी अपना भी पानी छोड़ती हैं, तो इसमें तकरीबन 1/2 कप जो है वो इसमें ऐड कर लेंगे हम पानी। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसमें पानी आपने ऐड नहीं करना है। और इसको हम प्रेशर कुकर बंद करके रख देंगे तकरीबन 14 मिनट्स के लिए, 12 to 14 मिनट्स के लिए। और उसके बाद फिर इसका जो है बुनाई वगैरह वो करेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अच्छा जी, अभी इसे हमने ओपन किया है, तकरीबन 14 मिनट्स के बाद मैंने इसे ओपन किया है। ये गल तो गया है, लेकिन इसमें ये जो थोड़ा बहुत पानी है इसको हमें ड्राई कर लेना है अच्छे से, और साथ में ये जो हमारी रेड चिलीज़ हैं या ये टमाटोज़ हैं, ऑनियंस हैं, इन सबको अच्छे से साथ साथ इस तरह से मैश करते जाना है। जब तक ये भुनेगा तब तक ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगी। साथ ही हमें यहाँ पे इसमें ऑयल ऐड कर लेना है। मैं इसमें 1/2 कप ऑयल ऐड करूँगी, ऑलिव ऑयल। आपको जो ऑयल अच्छा लगे आप वो इसमें ऐड कीजिए। तो इस पॉइंट पर हमें अपनी फ्लेम जो है उसको मीडियम रखना है या मीडियम हाई रखना है, ताकि ये पानी इसमें अच्छे से ड्राई हो जाए और इसकी भुनाई हो जाए अच्छे से। ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा ड्राई होने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। पानी ड्राई हो जाए तो फिर मिलते हैं। अच्छा जी, ये 2 से 3 मिनट के बाद हमारी बुनाई जो है वो हो गई थी कंप्लीट, और मैंने इस टाइम अपनी जो फ्लेम है उसको बिल्कुल लो कर दिया है, क्योंकि हमें इसमें ऐड करना है योगर्ट। आप इसमें कर्ड भी ऐड कर सकते हैं थिक वाला, और इसमें मैं योगर्ट ऐड करूँगी, तो इसलिए मैंने इसकी फ्लेम जो है उसको बिल्कुल स्लो कर दिया है। अगर हाई फ्लेम पे योगर्ट ऐड करें तो इसमें थोड़ी सी वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं और वो नज़र आता है, और वो उसको आप बाद में जितनी भी बुनाई कर लें, जो भी कर लें, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम है। और इस पॉइंट पर मैं इसमें थोड़ा सा अपना 1/2 कप मैंने योगर्ट लिया है, ये इसमें ऐड कर दूँगी, और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसका पानी इसमें ड्राई होने देंगे। उसके बाद मीन्स कि इसको 1-2 मिनट के लिए और बुनाई करेंगे हम। तो कैंसी इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें आप, बहुत मज़े का और क्रीमी सा हो गया ये। इसको अब हम फ्लेम जो है थोड़ी सी इसमें मीडियम की तरफ लेके आएंगे ऐसा ऐसा, ताकि इसका पानी जो है वो हम ड्राई कर सकें। अदरवाइज़ ये हमारा गोश्त जो है उसको और ज़्यादा गला देगा। इस पॉइंट पर हम इसको थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे, इसका पानी ड्राई कर लेंगे। जब तक इसकी फ्लेम नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगी
इसका टेम्परेचर नॉर्मल होगा गोश्त का, तब तक ये इसमें हमारा दही जो है वो मिक्स हो चुका होगा और फिर इसका साथ में पानी ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें पानी ऐड करें या इसको बिल्कुल कढ़ाई की तरह यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर लें। मैं इसकी ग्रेवी बनाऊंगी ताकि रमज़ानों में राइस के साथ इसकी ग्रेवी जो है बहुत मज़े की लगती है, बहुत लाइट वेट सा खाना लगता है, बहुत हैवी नहीं लगता। कढ़ाई वगैरह जो है रमज़ानों में अफ्तारी के बाद इतना दिल भी नहीं करता है इतनी हैवी चीज़ें खाने का, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसको ऐसा कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। ये 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको दही का पानी इसमें ड्राई होने में, तो तब मिलते हैं इसके बाद। अच्छा जी, ये इसका पानी हो गया ऑलमोस्ट ड्राई, जो हमारा योगर्ट हमने ऐड किया था वो पानी इसमें मिक्स हो चुका है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है आप देख सकते हैं। और इस पॉइंट पर मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लूँगी क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी बनानी है, तो आप चाहें तो इसको एज आ कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको 3 से 4 मिनट उबालने के बाद पानी को जोश आ जाएगा, उसके बाद फिर हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। फ्लेम ऑफ कर देने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला और इसमें कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर इसमें ऐड किया है। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी मज़े की लग रही है इस वक्त। तो इसको अब हम गार्निश कर लेंगे। आप इसको सर्व करें आप इसमें राइस के साथ, रोटी के साथ, जैसे भी आपको अच्छा लगे। और इसके ऊपर मैं कुछ ग्रीन कोरिएंडर और बाकी इसमें चीज़ें जो हैं वो ऐड कर लूँगी और इसको सर्व करूँगी। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।